हेलो एवरीवन, इट्स फाइनली वीकेंड। अब टाइम आ गया है डीप स्किन केयर और सेल्फ केयर रूटीन करने का। और आज था संडे तो मैं काफ़ी लेट उठी, तो मैंने सोचा सबसे पहले करते हैं स्किन केयर, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना मेरे साथ, मैं अपना डेली स्किन केयर रूटीन भी फॉलो नहीं कर पा रही, और वीकली फॉलो किए तो बहुत ही अरसा हो गया है। तो इस वजह से मेरी स्किन की हालत कुछ ऐसी दिख रही है, और मैं आपके सामने कोई भी फिल्टर, रिंग लाइट या कोई भी एक्स्ट्रा लाइट फिल्टर नहीं यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि आपको देन एंड नाउ दिख सके कि स्किन केयर करने के बाद मेरी स्किन कितनी बेटर हो गई है। तो स्किन केयर चाहे डेली हो चाहे वीकली हो, एक चीज़ वो कॉन्स्टेंट रहती है, सेटाफिल का क्लींजर, क्योंकि मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई। आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन गाइस, तो मुझे ऐसा रहता है कि कोई मैं माइल्ड सा मिल्की सा क्लींजर यूज़ करूँ। और अगर आपकी भी ड्राई स्किन है और आपको सेटाफिल का क्लींजर थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, तो मैं आपको एक अच्छा सा क्लींजर सजेस्ट करती हूँ, वही निविया का क्लींजर। वो सेम वर्क करता है और ऐसी क्रीमी टेक्स्चर है उसका। और फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस को डैब डैब कर करके पोंछ रही हूँ। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने फेस को ना टाल से रगड़ना नहीं है, घिसना नहीं है, ऐसे में आपकी स्किन की इलास्टिसिटी चली जाएगी। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये डॉट एंड की का क्ले मास्क। एक्चुअली आजकल मैं क्ले मास्क की बहुत फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो नॉर्मल फेस पैक है हम लगाते हैं, तो उससे इतना अच्छा ग्लो नहीं आता जितना क्ले मास्क हमें एक अच्छा सा सटल सा ग्लो प्रोवाइड करता है। और मेरी ये बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन, जैसे कि विंटर्स में हमारी स्किन काफ़ी फ्लेकी हो जाती है, तो इसलिए हमें चाहिए ऐसा फेस पैक या ऐसा कोई मास्क जो हमारी स्किन को थोड़ा सा फ्रेश लुक दे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप क्ले मास्क ही यूज़ करें, आप इसके जगह कोई भी नॉर्मल सा फेस पैक या आप बेसन और दूध का पैक भी लगा सकते हैं। और ये जो है ना क्ले मास्क, ये आप देख रहे हैं मैं लगाने में कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि इसके ना ऐसे लम्ब्स बन जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, इसे धीरे धीरे से फैला रही हूँ, क्योंकि ये रखे रखे ना पता है कंटेनर में रखे रखे ये बहुत ही हार्ड पड़ जाता है, तो ये ना पता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होता है जल्दी, इसलिए मैं ब्रश से लगा रही हूँ इसे। और इसे मूव करने में थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और ये लग चुका है मेरे फेस में। अब मैं इसे रखूँगी 10 मिनट के लिए। तो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने कर लिया अपने फेस को वॉश, और आप देख सकते हैं कि स्किन केयर रूटीन की अभी कुछ ही स्टेप हुई है और मेरे फेस में कितना चेंज आ गया है। तो गाइस स्किन केयर रूटीन काफ़ी ज़रूरी है, आप वीकली स्किन केयर रिजीम में ज़रूर ज़रूर ध्यान दें। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ HA BHA पीलिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी। तो जब से मैंने पीलिंग सॉल्यूशन का यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से मैंने स्क्रबिंग करना तो पूरे तरीके से छोड़ ही दिया है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा इसके रिज़ल्ट लगते हैं और ये इजी टू यूज़ भी, और इसे आपको अपनी स्किन को घिसना नहीं पड़ता है, सबसे सही बात इसकी ये है। तो गाइस आप इसे यूज़ करने के पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर ले ली कि आपको सूट कर रहा है या नहीं। तो मैं इसे इस तरीके से लगाती हूँ कि सबसे पहले एक लेयर बनाती हूँ मैं अपने फेस पर, एक साइड में एक ड्रॉप, दूसरे गाल पर एक ड्रॉप, और फिर फोरहेड पर, और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से फैला लूँगी। ये हो गई मेरी फर्स्ट लेयर कम्प्लीट। इसकी फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद अगर आपको कोई भी इचनेस और कोई भी ऐसे इरिटेशन हो रही है, तो आप इसे वहीं पर छोड़ दें, सेकेंड लेयर अप्लाई ना करें। मेरी स्किन सेंसिटिव है, मगर द ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे सूट करते हैं, मुझे इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसे फर्स्ट लेयर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज ये मेरा तरीका है पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ करने का, कि पहले एक लेयर बनाए, फिर अगर आपको लग रहा है कि आप इसे बियर कर सकते हैं तो ही आप सेकेंड लेयर लगाए। तो गाइज ये था मेरा तरीका पीलिंग सॉल्यूशन लगाने का, कि मैं पीलिंग सॉल्यूशन को किस तरह लगाती हूँ, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा, तो पहले मैंने सोचा कि एक ही लेयर लगाते, फिर मुझे ऐसे थोड़ी इचीनेस तो हो रही थी, तो मैं स्टार्टिंग में एक ही लेयर लगाती थी, मगर अब मुझे इसकी आदत हो गई है, तो मैं एक लेयर लगाने के बाद दूसरी लेयर लगा लेती हूँ, मगर थोड़ी सी इचनेस तो होती है। आप देख सकते हैं मेरे एक्सप्रेशन की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं, इट्स बियरेबल। फिर इसे सूखने के बाद मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए रखती हूँ, और उसके बाद हम इसे कर लेंगे वॉश। तो गाइज मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया हुआ है, इससे क्या होता है ना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जितने भी आपकी नोज़ पर हैं तो वो पूरे निकल जाते हैं, और स्किन काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है आपकी। इससे क्या होता है, आपकी स्किन की डेड सेल्स पूरी रिमूव हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टोनी मोली का राइस टोनर, क्योंकि आपको ना HA BHA सॉल्यूशन लगाने के बाद कोई दूसरे केमिकल यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसा कुछ यूज़ करना है जिससे कि आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो सके, क्योंकि क्या होता है ना, इसके लगाने के बाद ना आपकी स्किन काफ़ी डिहाइड्रेटेड लगती है, तो
तो आप कोई भी ऐसा राइस वाटर टोनर या रोज़ वाटर टोनर भी अप्लाई कर सकते हैं, और टोनर लगाने के बाद कोई भी हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र, मैं क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इस मॉइस्चराइज़र में हाइलुरोनिक एसिड है और ये डीपली स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, तो ये मॉइस्चराइज़र कॉस्टली है मगर मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है गाइस। ये ज़रूरी नहीं गाइस कि आपको क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना है, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें मगर इतना ध्यान रखें कि आपको विटामिन सी, रेटिनॉल ये सब यूज़ नहीं करना है अपने फेस में इसके बाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम यूजिंग हेयर डॉट इन की लिप बाम एंड इट हैज़ SPF 30। तो हमें अपने स्किन के साथ साथ अपने लिप्स पे भी SPF 30 लगाना ज़रूरी है। नॉट SPF 30, यू कैन अप्लाई SPF 15 ऑल्सो। तो ये था हमारा स्किन केयर रूटीन, आई मीन वीकली स्किन केयर रूटीन। आई होप यू लाइक इट गाइस, सी यू इन माय